नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, जब हमारे अतिथि शिक्षक भाई ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो उस पर लिखा आ रहा है आप विगत वर्ष में कार्यरत नहीं थे, जबकि कार्यरत थे। दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय ने 5 दिन तक पोर्टल को मेंटेनेंस पर रखा और अब जब पोर्टल चालू हुआ है तो हमारे कई भाइयों की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, परेशान है लगातार। लोक शिक्षण संचालनालय अतिथि शिक्षकों की भर्ती अगस्त में कर रहा है, फिर भी ठीक ठाक काम नहीं हो पा रहा है। जून निकली, जुलाई निकली, अगस्त में भर्ती शुरू हुई तो पोर्टल दिक्कत दे रही है। दोस्तों, बहुत से ऐसे भाई हैं कि आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भाइयों, जिस जिस की भी आईडी पर यह लिखा आ रहा है कि आप विगत वर्ष में कार्यरत नहीं थे, तो आप अकेले नहीं है। ऐसे हजारों अतिथि शिक्षक हैं जिनकी आईडी पर यह लिखा आ रहा है कि आप विगत वर्ष में कार्यरत नहीं थे। आप चिंता ना करें, आपके स्कूल में पद रिक्त है तो आपकी ज्वाइनिंग होगी और पूर्व पैनल से ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। भाइयों, पोर्टल पर आज से काम शुरू हुआ है, भर्ती आज से शुरू हुई है और लगातार 12 से 13 तारीख तक चलेगी। और अगर 12 तारीख तक आपकी भर्ती नहीं हो पाती तो तारीख में वृद्धि की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय अगस्त निकालना चाहता है और हमारे बहुत से भाई परेशान हैं। 30% वालों की ज्वाइनिंग डायरेक्ट DPI ने बंद करके रखी है, उस पर लिखा आ रहा है कि 30% वाले ज्वाइनिंग नहीं ले सकते। अब यहाँ पर तमाम वो बातें लीगल होती जा रही हैं, क्योंकि अब सरकार के पास में सारा रिकॉर्ड, सारा डाटा हमारा पहुँच चुका है। अब हमारी एक एक चीज लोक शिक्षण संचालनालय ने रखी है। नए स्कोर कार्ड 2024-25 के डाउनलोड हो रहे हैं, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा पास का एक जो पोर्टल पर दर्ज किया था, 2 महीने तक जो काम चला था, उसका कोई मतलब नहीं है। स्कोर कार्ड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जैसे निकल रहे थे वैसे ही निकल रहे हैं। 2023-24 की जगह उस पर लिखा आ रहा है 2024-25। भाइयों, अब अगर आपकी आईडी पर लिखा आ रहा है कि आप विगत वर्ष में कार्यरत नहीं थे, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, 1 से 2 दिन में आपकी जो दिक्कत है वो समाप्त होने वाली है, आपकी ज्वाइनिंग होगी। भाइयों, क्योंकि लोक शिक्षण संचालनालय अतिथि शिक्षकों का काम है, वो तेजी से कर रहा है, पोर्टल पर लगातार परिवर्तन हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अभी आप कह रहे थे पोर्टल अपडेट हुआ है, मैंने आज एक स्कूल का प्रोफाइल खोल के देखा, एक टीचर की डेट 2015 में हो चुकी है और अभी भी उसका नाम लिखा आ रहा है। मैंने स्कूल के प्रोफाइल पे देखा, मैंने कहा सर इनकी डेट 10 साल पहले हो चुकी है, इनका नाम अभी भी पोर्टल से नहीं हटा। बोले नहीं हटा, अभी भी नाम आ रहा है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहुत से कम हिम्मत के हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं अगर आपकी ये समस्या है तो जल्दी से जल्दी सॉल्व होगी और इसका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अभी पहला दिन है, कल से ही आपकी ज्वाइनिंग होने लगेगी बहुत से भाइयों की। और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, जो भी परेशानी आ रही, हाँ, जिनका पैनल ठीक ठाक अपलोड हुआ था, पैनल में कोई दिक्कत नहीं हुई थी, उनकी ज्वाइनिंग होगी, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं। अगर पैनल में गड़बड़ी की है, पैनल में छेड़खानी की है, तो फिर ज्वाइनिंग में अनेक प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। रेफरेंस कोड की समस्या कल तक ठीक हो जाएगी भाइयों, और अभी आप जल्दबाजी में कुछ ना करें। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और आपने प्रिंट निकाल लिया है तो उस पर आप दिनांक वगैरह भर लें, सील साइन करवा लें, इसके बाद में अभी अपलोड नहीं होगी। और कुछ काम शाला प्रभारी को भी करना है, जैसे कि GFMS पोर्टल खोलने के बाद में उनकी जो यूनिक आईडी पासवर्ड से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है, तभी हमारी ज्वाइनिंग मानी जाएगी। अकेला हमारा प्रिंट निकालने से ही हमारी ज्वाइनिंग नहीं मानी जाएगी। तो मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ जिनका ये लिखा आ रहा है कि आप अगले वर्ष कार्यरत नहीं थे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये टेक्निकल इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी भाइयों। बाकी फिर आऊँगा एक और वीडियो लेकर, क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा ख़राब हो रहा है तो वीडियो एडिटिंग नहीं हो पा रही, इसलिए आपको वीडियो ज़्यादा नहीं मिल पा रही भाइयों। तो फिर आऊँगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, आप सभी को जय श्री।